हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो यानी कि आप देख ही रहे हैं आंवले की यानी कि अमृत फल की, जो विटामिन सी से भरपूर है, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ में ये फ़ायदा करता है, चाहे पेट के रोग हों। ये सर्दियों में 2 से 3 महीने ही मिलता है, लेकिन आप इसको साल भर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि स्टोर कर सकते हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह से आंवले को स्टोर करना सिखाऊंगी, तो शुरू करते हैं। इस आंवले से 700 ग्राम के करीब हम आंवला अलग कर लेंगे और 300 ग्राम के करीब अलग। तो ये हमारा 300 ग्राम है और ये 700 ग्राम। तो इस आंवले को हम पहले उबाल लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाल लिया है। अब पानी हमारा गर्म हो गया है तो 700 ग्राम जो हमारा आंवला है उसको डाल देंगे और 5 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। ढक देंगे इसको। ढक्कन हटाकर अब अपना आंवला चेक करेंगे और ये देखिए जो आंवले की फांके हैं वो अलग होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा आंवला उबल गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। जो ये पानी होगा हम इसको फेंकेंगे नहीं, आप इसको पी भी सकते हैं थोड़ा सा ठंडा करके, या जब आप मेहंदी लगाते हैं बालों के अंदर तो इस पानी के अंदर मेहंदी को घोल कर लगाएं। तो अब सबसे पहले हम इसको छान लेंगे। तो आंवला हमारा ठंडा हो गया है, मतलब इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना, जब हल्का गर्म हो तभी हम इसके के जो है पीसेस अलग अलग करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो सभी को हम बहुत ही आराम से निकल जाती है इसकी गुठली, तो सभी को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। गुठली को साइड कर देंगे। तो आंवले की गुठली को हमने अलग कर लिया है, अब इसकी देखिए फांके बन गई हैं। अब हम इसको आधा आधा कर देंगे यानी कि इसको 2 जगह कर देंगे। इसको हम साइड रख देंगे अभी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भुनी हुई अजवाइन और मैंने इसके अंदर 2 चुटकी हींग भी डाली है, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है आंवला पाचक, यानी आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका पेट दर्द हो, अपच हो, गैस हो, बदहजमी हो, तो आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी हम इसको धूप में सुखाएंगे और इस वाले को हम ऐसे ही सूखने देंगे। ये आप इसी तरह से सुखा कर रखेंगे और जब आप छोले बनाएंगे तो इसमें 3 से 4 फांके आंवले की डाल दें तो आपके जो छोले हैं वो बिल्कुल काले बनेंगे और आप इसको बालों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो 300 ग्राम हमारा आंवला रखा हुआ है अब हम उसको तैयार करेंगे। जो हमने 300 ग्राम आंवला अलग बचा लिया था अब हम इसके छोटे छोटे पीस कट करेंगे इस तरह से। आंवले को निकाल लेंगे और गुठली को साइड कर देंगे। सभी को मैं ऐसे ही कट कर लूंगी। देखिए
आंवले को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा मोटा दरदरा पीस लेंगे। जार के अंदर डालेंगे और अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए, हमें इसको इतना ही मोटा पीसना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये हम इसलिए पीस रहे हैं, जब ये सूख जाएगा तो मिक्सी में ये आराम से पिस जाएगा। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अभी मेरा थोड़ा सा और है, उसको भी पीस लूंगी। तो देखिए फ्रेंड, तीन तरह से हमने ये आंवला तैयार कर लिया है। अब हम इसको 3 दिन तक धूप में सुखाएंगे। आंवला धूप में रख दिया है, अब हम इसको 3 दिन तक धूप के अंदर सुखाएंगे। तो 3 से 4 दिन की धूप में हमारा जो आंवला है वो अच्छे से सूख गया है। ये देखिए, अब मैं इसको बाउल के अंदर निकाल लूंगी। तीनों आंवले हमारे अच्छे से सूख गए हैं। ये आंवला पाचक, ये प्लेन वाला आंवला, और जो ये हमने ग्रेट किया था यानी कि मिक्सी में पीसा था। तो सबसे पहले हम इसका पाउडर बना लेंगे, जिससे कि हमें यूज़ करने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, तीनों आंवले मेरे यूज़ करने के लिए तैयार हैं। ये आंवला पाउडर है, आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आँखों के लिए, बालों के लिए, सभी में ये फ़ायदा करेगा। और ये सूखा आंवला यानी कि सिंपल वाला, जो प्लेन वाला आंवला है, आप इसको छोले के अंदर डाल के छोले को एक अच्छा कलर दे सकते हैं। और ये हमारा आंवला पाचक, ये आपका जब आप रात को खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के बाद एक कली इसके मुंह के में डालकर चूस सकते हैं, जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।